स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में ये हमारा फ्री हैंड ड्राइंग सीखा था। ओके तो आप सभी ने ये किया होगा बट ग्रुप पर किसी ने भी इसका पिक्चर नहीं छोड़ा। आपने किया है या नहीं किया आपको ही पता है बच्चों। तो मैं अभी फिर से नहीं बोलूँगा आपको कि इसका एक फोटो छोड़कर दो, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। आपको अगर भेजना है तो भेजो। मैंने पहले ही कहा है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ड्राइंग डेवलप होगा। ओके नहीं तो मैं यहाँ रोज़ एक सिखाऊंगा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और उसके बाद नहीं मुझे ड्राइंग नहीं आया, ड्राइंग सर ने कुछ सिखाया नहीं। ओके तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ड्राइंग अच्छा होगा। तो मैंने बच्चों इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने और आपको डिजाइन्स देने के लिए बोला था, मैं आपको दूंगा। ओके तो वीडियो के एंड में मैं आपको इसके कुछ सैंपल्स दूंगा, वो आपको देखकर एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक में प्रैक्टिस करनी है। ओके तो आज हम थोड़ा बहुत शेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल ऑफ शेडिंग, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ शेडिंग। ओके बच्चों यहाँ पर अलग अलग तरह के शेडिंग्स दिए गए हैं। ओके शेडिंग का मेथड एक ही रहता है बच्चों, बट यहाँ पर अलग अलग स्ट्रोक्स है यहाँ पर। ओके यानी आप एक ऑब्जेक्ट का शेडिंग कर रहे हो तो आपको डिसाइड करना है कि एक दो तीन चार, ये चार डिजाइन्स हैं शेडिंग के, अलग अलग तरीके हैं, उनमें से आपको कौन से तरीके में शेडिंग करना है। ओके मान लो अगर आपको ये क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स, ओके यानी बच्चों देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आपने जिग जैग लाइन तो ड्रॉ की है। ओके इस तरह, ओके तो उस हिसाब से ही ये क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स होते हैं बच्चों। किस तरह से इस टाइप से आपको ये शेडिंग करना है। ओके तो यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट वाला जो है डायगोनल स्ट्रोक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके बच्चों मतलब आपको राइट से लेफ्ट आना है। ओके यहाँ से यहाँ इस तरह से आपको शेडिंग करना है। ओके यहाँ पर हमने डार्क किया, यहाँ पर लाइट किया। देखिए बच्चों सभी शेडिंग में यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ऊपर वाला हिस्सा डार्क है, यहाँ पर लाइट है। ये ऐसा क्यों करते हैं? ओके ये डार्क और ये लाइट ये क्या दर्शाता है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? तो देखिए अभी ये क्या है, डस्टर। ओके तो देखिए अभी यहाँ से, ओके आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिखाई देगा बच्चों, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा लाइट यहाँ पर
ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ सभी में सभी जगह लाइट पड़ रहा है। ओके बच्चों, मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ। ओके, अब पूरा यहाँ पर लाइट पड़ रहा है और यहाँ पर उतना लाइट नहीं है बच्चों। ओके, अब जब सामने से देखोगे तो यहाँ पर उतना लाइट नहीं देखेगी। तो आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जहाँ जहाँ शैडो है, ओके, जहाँ जहाँ शैडो है वहाँ आपको क्या करना है, ये मैंने जिस तरह से डार्क तरीका है, डार्क शेडिंग किया है, वहाँ पर आपको उस तरह से डार्क करना है। ओके, और जहाँ पर रोशनी पड़ती है वहाँ पर आपको शेडिंग करना है, बट थोड़ा सा लाइटली करना है। ओके, यही दिखाता है, यही इसका मीनिंग है बच्चों, कि यहाँ पर जो है यहाँ पर लाइट पड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या है, शैडो है। ओके, तो यहाँ पर ये नीचे का देखिए, फोर्थ वन, स्मॉल कंटिन्यूस सर्कल्स, यानी कि ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं करते करते शेडिंग करते हैं। ओके बच्चों, इस तरह ये मेरा फेवरेट शेडिंग है बच्चों। इस तरह से मैं मेरे ड्रॉइंग में शेडिंग करता हूँ, इससे बहुत अच्छा शेडिंग हो जाता है, बहुत सिंपल भी है। ओके, बहुत से लोग इस वाले शेडिंग को पसंद करते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ पर लाइट लाइट है, नहीं वहाँ पर जो रोशनी पड़ रही है वहाँ भी दिखाने के लिए आप देखें, यहाँ पर डाल के होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट में आता हूँ, पेज नंबर 8। तो देखिए बच्चों यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर कैंडल है बच्चों। ओके, ये देखिए कैंडल है, इस कैंडल के यहाँ ये बीच में शेडिंग किया है और यहाँ पर ये वाला हिस्सा खाली छोड़ा है और यहाँ पर फिर से शेडिंग किया है थोड़ा सा। तो बच्चों क्या है, वहाँ पर ये जो हिस्सा है वो हमारा डार्कनेस है। ओके बच्चों, वहाँ पर शैडो है और ये वाला जो हिस्सा है वह आपको लाइट पड़ा हुआ है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप शेडिंग करोगे तब आपका ऑब्जेक्ट, आपका ड्राइंग रियलिस्टिक में आएगा। ओके बच्चों, यानी कि 3D में आ जाएगा। 3D मतलब देखिए बच्चों, वो एक वहाँ पर रखा हुआ है, सच में वहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर लाइट्स भी पड़ रही है, उस हिसाब से आपने दिखाया तब ये रियलिस्टिक में दिख जाएगा। और रियलिस्टिक में दिखने के लिए आपको ये लाइट्स हैं और ये शैडो है, वो शेडिंग में आपको काम करना पड़ेगा। ओके बच्चों, ये शेडिंग का टॉपिक ऐसा है बच्चों कि मैं अभी वीडियो थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ, बट आपको 100% वो समझ में नहीं आएगा। अब जब मेरे सामने आ जाओगे या पर स्कूल में आ जाओगे तब आपको ये सीखने में और भी इजी हो जाएगा। और ये शेडिंग का टॉपिक ऐसा है बच्चों, सीखने में बहुत मज़ा आता है। ओके, स्टार्टिंग आपको इसका 1% भी नहीं है, ये जितना अच्छा दिखता है बच्चों उतना ही डिफिकल्ट भी है। ओके, तो हमारा ड्राइंग का एक कंडीशन है बच्चों, क्या है, आपको ड्राइंग में बहुत प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो शेडिंग ये ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। ओके, आप ये शेडिंग का मेथड अच्छी तरह से समझ गए तो आप कलरिंग में भी शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी आप मेरा इतना पोर्ट्रेट निकाल रहे हो तो मेरे ऊपर कहाँ कहाँ लाइट गिरा है, कहाँ कहाँ पर शैडो है, तो आपको शेडिंग में, कलर में या पेंसिल में आपको करने में बहुत ही ईजी होगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देखिए। ओके, ये ट्राइंगल शेप है बच्चों। ओके, 3D में लिया गया है इस हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा शेडिंग और ऊपर जैसे ज़्यादा है वहाँ पर छोटा रहता है, यानी क्या है बच्चों, ये और ये वाला जो हिस्सा है वहाँ पर लाइट पड़ा हुआ है।
ओके बच्चों समझ में आया। और ये जो हमारा नीचे का हिस्सा है ये एक शेप में जो है ना ये वाला, वहां देखिए बच्चों वहां पर पूरा शेडिंग किया है, पूरा इस हिसाब से भर दिया है, यानी कि वहां पर थोड़ी भी लाइट नहीं है। ओके बच्चों वहां पर पूरा शैडो है, तो यही दर्शा रहे कि यहाँ पर एक शैडो है, इसके डार्क शेडिंग यहाँ पर भी शैडो है, कहाँ कहाँ शैडो है वहाँ उतना है आपको शेडिंग करना है और बचा हुआ हिस्सा आपको वही छोड़ देना है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कितना समझ में आया है ये मुझे मालूम नहीं, बट मैं पूरा ट्राई करूँगा कि ये शेडिंग वाला मेथड आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, तो अभी जितना मैंने बताया वो अच्छे तरह वीडियो में आपको सुनना है बच्चों। ओके, यहाँ पर शेडिंग करने के लिए बहुत से ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ओके, बट मैं आपको वो नहीं सजेस्ट करूँगा, आपको इस तरह से ये स्क्वेयर्स बनाने हैं बच्चों। ओके, तो क्या करना है, फर्स्ट आपको ये वाला जो शेडिंग है और ये वाला सर्कल वाला, इस दोनों के आपको प्रैक्टिस करना है किस तरह से। ये देखिए राइट टू लेफ्ट बोला है, तो क्या करना है यहाँ से यहाँ, इस तरह से। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आपको फर्स्ट ये समझ में नहीं आएगा, बट आपको जैसा दिखता है उस हिसाब से करने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, जब आपका स्कूल प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको क्लास में बताऊंगा। ओके, हर एक बच्चे को मैं प्रैक्टिस करूंगा कि शेडिंग कैसे करना है। ओके, अब मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूं बच्चों, उस वीडियो में आपको एक यूट्यूब का वीडियो है वो आपको मैं अभी शेयर करूंगा। उस वीडियो में सब शेडिंग का थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, थोड़ा थोड़ा बना करके दिखाते हैं पेपर के ऊपर, वो आप देखिए किस हिसाब से करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो वो वीडियो बनने के बाद मैं आपको पिक्चर्स, हमारा जो थ्री एंड डिजाइन हुआ था लास्ट टाइम, उसके पिक्चर्स में आपको एक्स्ट्रा डिज़ाइन आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो भी दे दूंगा वो वीडियो बनने के बाद। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हमारा टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ, मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया है आपको, आपको जितना समझ में आया है उतना प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको ये वीडियो देखना है, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों।